क्या हुआ, चढ़ नहीं पा रही है? मेरा पैर देखिए कितना मेरा पैर सूज गया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा वैष्णो देवी में तीसरा दिन है और अभी हम लोग यहाँ देखिए होटल से जा रहे हैं और आज का ट्रिप हम लोग का दूसरे जगह का है। अभी सबसे पहले मार्केट में जाएंगे, नाश्ता वास्ता कर लेंगे बाहर ही होटल में और उसके बाद कुछ मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग करने के बाद घूम लेती हूँ, आगे पीछे देख लेती हूँ क्या है, पूजा वूजा का सामान वगैरह जो भी मिलेगा। और अभी आगे सबसे पहले जाएंगे नाश्ता करने के लिए, तो चलिए निकलते हैं। और अभी रेडी हो चुकी हूँ, ले लो सर। अभी सबसे पहले हम लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर मार्केट में पूजा वूजा का प्रसादी वगैरह ले लेंगे और यहाँ से हम लोगों का ट्रिप है दूसरे जगह का, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हम लोगों को जाना है ना ट्रिप। और अभी ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लोगों ने गाड़ी बुक करा है उसी से अभी निकलेंगे सारे फैमिली। इधर साइड आ जाओ। अभी हम लोग आ गए नाश्ता करने के लिए और जितना अच्छा टेस्टी नाश्ता आपको ये फुटपाथ वाले से मिलेगा ना, ठेले वाले से, वो इतना अच्छा बनाते हैं, इतना यम्मी टेस्टी। इतना होटल में खाए ना तो पैसा भी लग गया, उतना अच्छा नहीं लगा। और यहाँ का ये लोग यम्मी टेस्टी है, सारे फैमिली अभी बैठे हुए हैं। और इधर देखिए कुछ बस स्टेशन वगैरह है और ये इस पास में ही आए हैं, होटल के पास में ही है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ का खाना छोड़ करके यहाँ आ गई हूँ खाने के लिए। बहुत टेस्टी था, इसीलिए बार बार जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा ना वहीं पे आपको खाने का भी इच्छा करेगा कि बार बार वहीं पे जाएं खाने। ये आ गया हम लोगों का नाश्ता प्लेट, अब बहुत ही अच्छा है। देखिए आलू पराठा में आपको खाना, वहाँ कल जो होटल में खाया था वहाँ कैसा था? ठीक था, लेकिन यहाँ भी ठीक था, बस रेट में अंतर है ना। और शर्मा जी धूप से इधर आ जाइए। नहीं तब अभी कहाँ चलिएगा? हाँ उसके बाद अमृतसर को, उसके बाद हम लोग सब अमृतसर जाएंगे घूमने के लिए। चीज तैयार हो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों पर वादियों में चढ़ने के लिए? वैष्णो माता में हालत खराब हो गया था हम लोगों का। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठ चुके हैं, सुंदर बहन है, अभी हम उसी को बैठे हुए हैं, उसी में पूरी फैमिली देखिए सब बैठे हुए हैं अच्छे से। आगे पीछे सीट है, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सीट है। इसी में अभी हम लोग निकलेंगे, सबसे पहले बागा बॉर्डर जाएंगे, बागा बॉर्डर से फिर हिमाचल प्रदेश जाएंगे। वहाँ पर जो अच्छा मंदिर सब है, पता नहीं मुझे कौन कौन सा मंदिर है, वहाँ जाऊँगी तो फिर पता चलेगा और दर्शन करेंगे। उसके आगे फिर आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जाऊंगी, तो मैं भी जाऊंगी, आप लोगों को भी साथ में आपको दिखाती जाऊंगी। तो चलिए मेरे सफर में भी आप लोग एंजॉय करिए और हम लोग भी अभी बस गाड़ी रुकी हुई है और निकल ही चुके हैं, अब चलेंगे सब मिल करके। अभी हम लोग रास्ता में रुके हुए हैं थोड़ा सा, सबका पस्त हो गया, हालत खराब हो गया है बस से। और अभी आगे में एक झील दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, तो क्यों ना उसे शूट किया जाए अपने वीडियो में। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने जिद करके, अरे रोक दो भाई रोक दो, ड्राइवर भैया रोक नहीं रहे थे। तो चलिए दिखाती हूँ आगे, पैर तो सबके सूजन, इतना पैर फूल गया है, पैर रख नहीं पा रही हूँ, बहुत ही दर्द हो रहा है पैर में। बाबा रे, कैसे हो क्रिस, कैसे चल रहे हो? क्रिस का चाल में चेंजिंग हो गया, मैं दूर से दिखा रही हूँ क्रिस को, क्रिस का चाल में चेंजिंग हो गया है, इतना मस्त से चल रहा था और अभी ये ऐसे 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 करके नहीं है क्या? पता नहीं इधर से जाने देता है क्या? रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट के अंदर थोड़ी ना दिखेगा, आगे से देखते हैं क्या वहाँ बस के पास से। ये एक रिजॉर्ट के अंदर भी झील है, बहुत अच्छा नज़ारा है, चलिए आपको दिखाती हूँ। और रिजॉर्ट के अंदर से ही जाना पड़ेगा, रास्ता इधर से ही बता रहा है और एक भैया है जो बता रहे हैं। ओ वाह, क्या हुआ, चढ़ नहीं पा रही है? पैर सूज गया। चलो चलो आओ जल्दी। ये हम लोग आ चुके हैं मीनार झील में, मंसार, ओ सॉरी मंसार झील, मुझे नाम नहीं पता था। अब मछली देखो कितना है, ये मैं खिलाने वाली हूँ आटा मछली को। वाओ
ये देख सकते हो गाइस, मेरे पापा अपने हाथ से खिला रहे मछली। ये देखो ये मम्मी मम्मी और मम्मी डर रही है पूरा। मस्त लग रहा है नजारा इधर का, मस्त है बहुत। अब वो रहा उधर इस पहाड़ के पीछे वैष्णो देवी माता का पहाड़, इस वाले पहाड़ के पीछे। हम लोग सब आस्तिक आ रहे हैं, रिजॉर्ट से घूम के आ गए। रिजॉर्ट क्या, मंसार झील था, मंसार झील था, बोटिंग भी बहुत अच्छा हो रहा था। पॉन्ड था, पॉन्ड पॉन्ड था, पॉन्ड पॉन्ड पोखर पोखर पोखरवा बुझली पोखरवा हाँ पोखर था, मतलब पॉन्ड था। तो अभी उसमें इतनी सारी मछली थी ना, उसको खाना खिला के बहुत अच्छा लगा। मैं चॉकलेट पिस्ता वाला आइसक्रीम खा रही हूँ, और अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए और जितने सारे फैमिली है सब आइसक्रीम खा रहे हैं, सब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम को। ये मेरा पिस्ता आइसक्रीम बहुत टेस्टी, बहुत गर्मी लग रहा था। ये मेरा तो हम लोग अभी जाने वाले हैं, जाने स्टार्ट हो गया है। अभी निकल चुके हैं, मम्मी ने गलती से कह दिया था कुछ हम देखे तो सब मिलके बोल रहे जय माता दी। और इधर इधर हमारे फादर साहब, इधर हमारी मदर, मदर मदर साहब, नहीं नहीं मम्मी, हाँ मम्मी। और इधर है, और अभी इधर थोड़ा मस्त नजारा है, पहाड़ पहाड़ दिख रहा है थोड़ा, उसके बाद फिर सब खत्म हो जाएगा। और अभी उधर से बोलो बोलो उधर से आते अरे बता दे हिमाचल प्रदेश के लिए जा रहे हैं, गाड़ी खराब, रोड भी खराब है, गाड़ी खराब है, वजह से हम लोग हिमाचल प्रदेश का कैंसिल हो गया प्रोग्राम। और अब हम लोग जा रहे हैं बाघा बॉर्डर, और आगे मैं आपको वीडियो में बताएंगे आगे क्या कहाँ कहाँ जाएंगे। तो भाई अभी हम लोग पंजाब घुस चुके हैं, और अभी हम लोग चिनाब रिवर में रुके हैं। आपको दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी देखो मम्मी भी वहीं खड़ी है आगे, और अभी हम लोग अभी चिनाब नदी नदी के पास खड़े हैं। देखो हो रही मम्मी, बहुत मस्त लग रहा है देखो आप। यही है उधर से बह के आता है चिनाब रिवर। अभी आप देख रहे हो मम्मी को, इधर देखो बहुत ही अच्छा नजारा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखो कितने अच्छे से ग्रास लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा आप बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। और पानी कितना बह रहा है, डोर देखो पानी। चलो चलो उधर दिखाते, चलो देखो गाइस इधर पे कुछ लगा दिया है ताकि पानी का फ्लो थोड़ा धीरे हो सके। ये देख लो, ये देख लो कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा, बहुत घूम के बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। अभी फोटो शूट होता है थोड़ा। यहाँ पर देखिए बैठने का भी जगह है, पूरा चारों बगल ग्रास लगा हुआ है, आप
चारों तरफ से नदी का एंजॉय कर सकते हैं। और हम लोगों ने भी पहली बार देखा है, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। पानी का एक देखना बहुत ही अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। सुबह नाश्ता करके निकले थे, अभी खाना वाना खा लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे पंजाब हम लोग पहुँचेंगे। अभी अमृतसर पहुंचने वाले, वहां पे गोल्डन टेम्पल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का तो कैंसिल हो गया। और क्या मजा आ रहा है, एंजॉय करते करते जा रहे हैं। अभी आपको झील दिखाया मैंने, कितना अच्छा लगा ना वो चिनाव झील का। पंजाब में एंटर करते ही दिखिया चिनाव झील। वाह, गणेश जी का विसर्जन हो रहा था तो ढोल की ताल में क्या मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम लोग देखे, ठीक है, सफर अच्छा चल रहा है बेटा, मजा आ रहा है ना। हम लोग इतना सोच के भी नहीं, जम्मू कश्मीर से निकले, गर्मी बढ़ गई है पूरी। हाँ, उधर ठंडा था, स्वेटर का जरूरत पड़ गया था, हम लोगों ने उन्हीं स्वेटर रख लिया था। और अभी बस ठीक है, अभी मौसम नॉर्मल है और अच्छा से घूम रहे हैं, ना गर्मी है ना ठंडा है, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। पीछे फैन चल रही है इसलिए थोड़ा सा आपको जोरों जोरों से हवा आ रहा होगा। और तो चलिए पहले खाना वाना खा लेते हैं, खाना हम लोगों का टेबल पे आने वाला है। तो हम लोगों को खाना आ चुका है, दाल और मिक्स वेज की सब्जी है, बहुत ही अच्छा टेस्टी, और साथ ही साथ यहाँ पर प्याज भी मिला है। अभी हम लोग, आज कितना दिन है, आज हम लोग का चौथा दिन है, और आज हम लोग प्याज खा रहे हैं, तीसरा दिन है, तीसरा दिन है और आज हम लोग प्याज खा रहे हैं। जब कि अपने घर से निकले थे तो वहाँ पर प्याज नहीं खा रहे, और अभी खा रहे हैं। खाना बढ़िया, बढ़िया सबको घर पर जाना है, अभी घर निकल चुकी है, 8-9 बजे तक हम लोग वहाँ सब पहुँच जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी होटल पहुंच चुके हैं, अभी अभी बस जस्ट अभी हम लोग ऊपर आए हैं। और मेरा पैर देखिए, कितना मेरा पैर सूज गया है, ना मेरा पैर सूज गया, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ा सा पहले, सबसे पहले ना गर्म पानी का सेका ले लेंगे ना बेटा, गर्म पानी का सेका ले लेंगे, थोड़ा सा आराम लगेगा। आज हम लोग अभी कहीं जाने की हालत में नहीं है। अभी हम लोग अमृतसर पहुँच चुके हैं, अमृतसर में होटल वहीं से हम लोग बुक करवाए थे, वैष्णो देवी मंदिर से ही, वहाँ पे ही, वहाँ का ही गाड़ी था और वही उन्होंने ही होटल हम लोगों को दिया है। चार्ज वगैरह सब हम लोगों ने वहीं पे किया है और यहाँ पर बस वो लेके आए और फिर जहाँ हम लोगों को जाना है वो वहीं तक छोड़ देंगे स्टेशन, और पूरा घुमा उमा करके। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा हुआ है ना बेटा, इस तरीके से क्या हुआ ना कि हम लोग को टेंशन नहीं रहा कि नए शहर में आ करके कहाँ गाड़ी ढूंढना था, कहाँ पर होटल ढूंढना था, या फिर कैसे कैसे जाना था, एरिया पता नहीं रहता है। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत ही अच्छा हुआ और वहीं से हम लोग बुक करके गाड़ी को आए हैं। हम लोग सुबह 12 बजे निकले थे ना मॉर्निंग में, सुबह 12 बजे हम लोग मॉर्निंग में निकले थे और अभी कितना टाइम हो रहा है बेटा, 9:30 बज रहा है, रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, पैर को थोड़ा सा गर्म पानी में सिकाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर है ना, तब कुछ चाय वाय लूंगी और बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी सब रात में आराम करें, क्या अभी आराम कर लेते हैं। हमको तो लग रहा था गर्मी, हम अपना ब्लैक वाला शर्ट खोल लिए थे और फिर जब वापस से वही वाला टी शर्ट पहन लिए, और मम्मी का तो पैर पूरा हो गया है, और पापा भी गए बाहर कुछ होटल मैनेजमेंट वाले से बात करने के लिए। पैर सूज गया है। ओह।